और व्यू तो यार अल्टीमेट है, खतरनाक। और ये देखो भाई वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना बड़ा। ये देखो गाइस झरना सामने बैठा भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो भाई हमने अपनी गाड़ी निकाल दी है, छोटी गाड़ी का यही फायदा है कि तुरंत से निकल जाती है। और इधर देखो भाई वाटरफॉल क्या बात। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है भाई, और मॉर्निंग का भी तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है सुबह का मॉर्निंग का व्यू, और ये जो स्नो पड़ी हुई है कल की पड़ी हुई है, फ्रेश फ्रेश स्नो बढ़िया तरीके से। और अपने भाई आपको दिखाई दिए थे, संजीव भाई आ चुके हैं तो बहुत परेशान किया कल इन्होंने, बहुत परेशान किया भाई। कल 11 बजे से, कल सुबह 11 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बज गए, तो अपना सामान निकाले यार, कॉफी वॉफी बना लेते, क्योंकि भाई कल से कुछ खाया नहीं है भाई ने, और सुबह 6 बजे पहुंचा है, तो कॉफी वॉफी बनाते हैं, कॉफी पीते पहले। अपनी कॉफी रेडी, और कॉफी देते हैं भाई को, भाई जी लीजिए, और हम भी पीते हैं यार कॉफी ये रही, और इन नजारों के साथ कॉफी मिल जाए और भाई भी अपने साथ आ जाए तो एक नंबर बात हो जाए यार। इस कॉफी एंजॉय करते हैं भाई, और यहाँ पे यार काफी भीड़ हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि गाइस पीछे ये वैन्स लगी हुई है ना, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आ जाते हैं, प्लस लंबी चौड़ी पार्किंग टाइप में भी यहाँ पे। और ये व्यूज देखो यार, तो गाइस फाइनली भाई कॉफी पी लिया, और टाइम हो रहा भाई 12, और इधर अपने खाने की तैयारी करते हैं भाई, अपनी चॉपिंग करते हैं और फिर कुछ खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि भाई को लग गया काफी तेज भूख, रात से कुछ नहीं खाया है, रात से कुछ नहीं खाया, रात से भाई ने कुछ नहीं खाया, देखो काला अंधेर हो रहा है क्योंकि धूप धूप की वजह से। चलिए जी चॉपिंग करते हैं यार। गाइस ये देख रहे हो हमारी हरी मिर्च जो है लाल मिर्च में कन्वर्ट हो गई है सारी
रेडी बनकर, और हमें चावल है भाई, इनको डाल देते हैं इसमें। गाइस अपना फ्राइड राइस बनकर रेडी, और इसको देते हैं और थोड़ी देर में अपने चावल रेडी। तो गाइस यहाँ पे अपने चावल रेडी, और भाई खोल दिया हमने अपना कुकर, और ओ वाओ यार क्या बेहतरीन बात, राइस बने यार। चलो थोड़े से घुमाते हैं। ओए होए होए होए, एक एक चावल है यार, परोस लिया जाए भाई। ओए होए लो जी, आय हाय हाय हाय, लो जी क्या बात है, कितने बेहतरीन लग रहे हैं यार, मजा आएगा आज तो खाने में। ओए होए होए होए, अरे भाई जी चावल देखो यार, चावल ओए होए होए, राइस फ्राइड राइस टाइप में। ओहो हो 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 हो, बस बस इतने इतने ही करते हैं और बाद में खा लेंगे, और इसको ढक देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये देखो भाई अपने चावल, और लगाते हैं भाई चम्मच। लो भाई आप पकड़ो पहले, और ये दूसरी चम्मच हम लगाते हैं भाई इसमें, और ये देखो भाई, ओहो हो गरम गरम चावल है यार। लेट्स ट्राई गाइस, ये आप लोगों के लिए। मजा आ गया भाई, क्या हाल है, कैसा लग रहा है भाई। ओहो हो मजा आ गया गाइस, फुल स्वादिष्ट है यार, मजा आ गया। ओहो हो गाइस, यहाँ देखिए अपना खाना पीना सेटअप सारा, टेंट क्लोज कर दिया है, और निकलते यार आगे की साइड चले ब्रो। चलो गाइस ये देखिए भाई, जो हमने रात जब हम आए थे तो ये पानी भरा हुआ था यहाँ पे भाई, और सामने देखो भाई क्या बात है, झरना बह रहा भाई सामने, और लोग आगे यहाँ पे एंजॉय कर रहे, ऊपर से आ रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। ये देखो गाइस झरना सामने बह रहा भाई, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखिए भाई हम जा रहे हैं शीशु, और ये देखो थोड़ा सा रोड यहाँ पे कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड ज्यादा भाई रोड है, थोड़ा सा पड़ रहा है, लेकिन ये वो होगा जो आपदा आई थी, पहले तो नहीं थे यार जब मैं आया था, जो किसी साल वो आपदा आई थी ना। हाँ वही तो, और सामने की ब्यूटी देखो यार, क्या बात है, क्या ब्यूटी है यार, क्या ब्यूटी है। लगभग यहाँ से आपका शिशु 4 से 5 किलोमीटर रह रहा है, और ये वाला रास्ता था, ये टूट गया पूरा गाइस, ये रास्ता था पूरा जो पूरा टूट गया, और ये अलग से पार काट के रास्ता बनाया गया ये, और सामने देखो भाई क्या पार कर रहे हैं, चाहे होता क्या बात है। देखिए भाई शिशु जाते हुए, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी पहले, तो भाई उसकी वजह से जाम काफी लंबा लग रहा है, और अभी तक हमें यहाँ पे 20 मिनट हो चुके जाम में लगे लगे, और पीछे तक भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखो सिंगल गाड़ी का रास्ता है मे भी, और इसी बात का ये जाम लग रहा है यार। ये देखो भाई हमने अपनी गाड़ी निकाल दी है, छोटी गाड़ी का यही फायदा है कि तुरंत से निकल जाती है, और इधर देखो भाई वाटरफॉल, क्या बात है भाई, तो छोटी गाड़ी का यही फायदा हो भाई, पता है कि थोड़ी इस देर में निकल जाते हैं, क्यों आराम से। अब देखो पीछे कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी निकली है, बाकी कोई गाड़ी नहीं है पीछे, सब वहीं जाम में फंसे हुए हैं। तो गाइस ये देखो शिशु पहुंच चुके हैं भाई, और देखो कितना प्यारा रहा, छोटा सा है शिशु गांव, लेकिन बहुत प्यारा गांव है, क्यों भाई एक नंबर। ये देखो भाई, और हरियाली भी है यहाँ पे, आपको हरियाली मिल जाएगी थोड़ी, पीछे आगे कहीं मिले ना मिले, लेकिन यहाँ जरूर मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे देखने के लिए स्टे कैंप टेंट भी मिल जाएंगे, रुक सकते हो। और भाई प्लीज 40 ऊपर मत चलाना, सामने कैमरा लगा हुआ है, वरना आपका चलान कट जाएगा भाई। तो दोस्तों लिखा हुआ है भाई लाहौल में आपका स्वागत है, तो ये देखो भाई लाहौल, ये क्या बात है भाई साहब।
तो गाइस फाइनली हमने अपनी गाड़ी अभी यहाँ लगाई है और कुछ यहाँ का व्यू देखो यार, कितना खतरनाक है यार। अल्टीमेट कितना प्यारा व्यू है शिशु का, और यहाँ पे आके यार बड़े आनंद आ रहे यार। चलते हैं आगे, जो आपका वाटरफॉल है ना वो दिखाते पास से। तो गाइस फाइनली दिखाते भाई वाटरफॉल पास से दिखाएंगे। और ये देखो भाई यहाँ पे रिवर बह रही है, कितनी प्यारी लग रही है यार, और व्यू तो यार अल्टीमेट है खतरनाक। और ये देखो भाई वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना बड़ा वाटरफॉल है भाई, देख रहे हो। और ये कुछ यहाँ का व्यू भाई नाक। और इधर है भाई आपका शिशु लेक, ये देखो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये देखो शिशु लेक है भाई। और यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और तो पहुंच गए भाई। तो गाइस भाई तो कुछ देर सो भी लिया है, नींद आ गई। और गाइस इस लोकेशन से निकल ले यार, कैंपिंग लोकेशन दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। बता यार अगर यहाँ पे ये है, अगर यहाँ कैंपिंग करेंगे ना तो यहाँ पे यार क्राउड बहुत, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो कैंपिंग यार हो नहीं पाएगी अच्छी सी एकांत में वाली। तो आगे निकलते हैं कहीं और देखते हैं लोकेशन, तो आगे का भी व्यू आपको दिखाते हैं, ठीक है। चल चल पड़े है। और सामने है भाई ये लेक, सामने देखो यार दिख रही है आपको, ये है भाई शिशु लेक। चलो जी आगे चलते हैं। और गाड़ी देखो कैसे लिए, कैमरा से पता लग रही होगी भाई कितनी ज्यादा गाड़ी हिलती है, देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ रात को ही रुक नहीं पाएंगे ना, यहाँ शोर शराबा कुछ ज्यादा होगा, फायदा नहीं है यहाँ रुकने का, कहीं और लोकेशन ढूंढते हैं कैंपिंग की। गाइस जाम देखो भाई कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है। रीजन क्या है, रीजन ये है जो पिछले साल जो आपदा आई थी ना उसकी वजह से कई जगह लैंडस्लाइड टूटे हुए थे, रोड टूटे हुए थे, तो रोडों पहाड़ों का काट कर रोड बनाया गया था, तो वो है सिंगल गाड़ी का रोड, तो उसकी वजह से जाम काफी लंबा लग रहा है। और जाम से लगभग आधा किलोमीटर बाद, आधा घंटे बाद जाम से निकलूं भाई, अब थोड़ा फ्री हो चुका है। चलिए और सामने का व्यू देखो यार, ओए होए होए। तो फाइनल गाइस अपनी कैंपिंग लोकेशन यहाँ पे होने वाली है, यंगला स्नो पॉइंट में आपका स्वागत है। और ये है पुल और नीचे बैठी रिवर। तो गाइस वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रही है, कैंपिंग भी आ रही है, तो भाई दोनों पे प्यार और मोहब्बत अपनी प्यार बरसा दो यार, कहर बरसा दो यार। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।